हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देंगे तथा साथ ही विभाजन के एल्गोरिथम से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन है। एक नंबर बहुपद px इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 को gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 से भाग दें और भागफल पिछले के वीडियो में भी हम लोगों ने भाग देना सीखा है। भाग देने में भाज्य को तथा भाजक को सबसे पहले भाग देने के लिए भाज्य एवं भाजक में चरों के घातों को भाज्य एवं भाजक के चरों के घातों को घटते क्रम में सजा लिया जाता है। देखिए यहाँ x का पावर 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, यहाँ x नहीं है, x का पावर 0 है, तो x का पावर घटते क्रम में है। भाज्य में x का पावर घटते क्रम में है, भाजक में भी x का पावर घटते क्रम में है, इसलिए हमें सजाना नहीं है। हम भाग की क्रिया शुरू करेंगे, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 में भाग देना है तो विभाज्य हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 से भाग देना है तो विभाजक हो गया, विभाज्य हो गया, विभाजक हो गया। अब हम भागफल का पहला पद निकालेंगे और अपनी क्रिया करेंगे। भागफल का पहला पद कैसे निकालते हैं? भाज्य के पहले पद में भाज्य का पहला पद है और भाजक का पहला पद है, तो भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग कर देंगे। एक्स क्यूब बटा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो एक्स आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स गुना एक्स गुना एक्स बटा एक्स गुना एक्स, एक्स आया तो यहाँ एक्स लिखेंगे। अब एक्स से इसमें गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स से एक्स क्यूब, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, थ्री एक्स में एक्स है तो थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, दस में एक्स है तो दस एक्स। भाग में घटाया जाता है तो घटाने के लिए क्या करेंगे? नीचे वाले व्यंजक का चिन्ह उल्टा कर देंगे। नीचे वाला जो बीजीय व्यंजक है उसका प्रत्येक चिन्ह उल्टा हो जाएगा, अर्थात प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू माइनस कट जाएगा। क्योंकि भाज्य का पहला पद हमें कटाना पड़ता है तो पहला पद कट के एक्स स्क्वायर माइनस और थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, कितना हो गया? माइनस फोर एक्स स्क्वायर, दस एक्स प्लस है और 14x माइनस है तो माइनस 4x प्लस 24। फिर पहला पद निकालना है, भागफल का दूसरा पद निकालना है। भागफल का दूसरा पद, भागफल का दूसरा पद क्या होगा? भाग दे देंगे इसमें से माइनस फोर एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, माइनस चार है यहाँ, माइनस चार हो जाएगा। अब माइनस चार से गुणा करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में चार से तो चार एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, माइनस हो जाएगा। तीन एक्स में चार से बारह एक्स, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, दस में चार से चालीस, घटाना है, तीन उल्टा करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, कट जाएगा प्लस माइनस। बारह एक्स आमदनी चार एक्स कर्ज, कितना होगा? आठ एक्स चालीस कर्ज चौबीस आमदनी, कर्ज ज्यादा है माइनस में आएगा, चालीस में से चौबीस को घटाइएगा सोलह, यही आ गया शेषफल। शेषफल क्यों है, क्यों हमने भाग की क्रिया रोक दी? इसलिए रोक दी क्योंकि यहां भाजक का घात दो है, भाजक का घात दो है और यहां घात एक आ गया, तो भाग की क्रिया तब रोक दी जाती है, भाग की क्रिया तब समाप्त हो जाती है जब भाजक का घात अधिक हो, भाजक में चर का घात अधिक हो और शेषफल में चर का घात कम हो, शेषफल में चर का घात कम हो या शेषफल शून्य आ जाए।
तो इसका शून्य आ जाए तभी बाकी क्लियर हो जाएगी। भाजक का घात अधिक हो और शेषफल का घात कम हो तभी भाग की क्रिया रुक जाती है। तो यहाँ भाग की क्रिया समाप्त हो गई। अब हमें क्या निकालना है? भागफल क्यू एक्स। अतः भागफल क्यू एक्स बराबर कितना आया है? एक्स माइनस चार तथा शेषफल आर एक्स बराबर आठ एक्स माइनस सोलह, यही आंसर होंगे। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। तो लेकर सुन दूसरा प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें। तीन प्रश्न है, पी एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, यहाँ पी एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, इसमें भी पी एक्स दिया है और जी एक्स दिया है, हमें भाग देना है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। देखिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कहे या केवल कहे भाग देने के लिए तो प्रक्रिया एक ही होगी, लेकिन जब विभाजन एल्गोरिथम कहेगा, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कहेगा तो हम अंत में भाग देने के बाद एक लाइन जोड़ देंगे, उसकी जरूरत है नहीं, आंसर के लिए उसकी जरूरत नहीं है, बिना उसकी सहायता का भी आंसर आ सकता है जैसा कि पहले प्रश्न हमने किया था, लेकिन एक लाइन हम लिख देंगे। विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष को ही विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष को विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। एल्गोरिथम की परिभाषा आप पढ़े हैं, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या के हल के लिए एक विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या के हल के लिए एक विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। आइए दूसरा का पहला हल करते हैं। यहां पी एक्स दिया है और जी एक्स दिया है, पहले इनका घात देख लीजिए कि इनमें चर का घात घटते क्रम में है या नहीं, इसमें तो है, इसमें भी है, इसलिए भाग दे सकते हैं। आप पी एक्स जी एक्स लिख दीजिए या डायरेक्ट भाग दे दीजिए। एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर जोड़ पांच एक्स माइनस तीन में भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस दो से, भाग देना आप जानते हैं। भाज्य का पहला पद, भाजक का पहला पद दिया है, भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग देकर, भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग देकर हम भागफल का पहला पद ज्ञात करते हैं। यहां क्या लिखेंगे उसके लिए इन दोनों में भाग देना होगा। रफ में क्या होगी भागफल का पहला पद एक्स क्यूब बटा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एक्स गुना एक्स गुना एक्स बटा एक्स गुना एक्स। आप घातांक का नियम पढ़े हैं, आधार समान में भाग है तो पावर क्या करेंगे घटा देंगे, ऐसे भी करते हैं। तो यहाँ एक्स आया, अब एक्स से गुना कीजिए आप एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस दो में एक्स है तो दो एक्स होगा। समान पद को ऊपर नीचे लिखते हैं, दो एक्स हुआ तो यहां लिखकर यहां लिखेंगे माइनस दो एक्स, यहां प्लस है तो माइनस, यहां माइनस है तो प्लस कट जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स आमदनी और दो एक्स आमदनी कितने हो गए सात एक्स माइनस तीन। ठीक है, अब हम भागफल का दूसरा पद ज्ञात करें कैसे, इसमें इससे भाग दे सकते, भागफल का दूसरा पद क्या है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, माइनस तीन है, यहाँ आप क्या लिखिएगा माइनस तीन, माइनस तीन से गुना कीजिएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में तीन से गुना कीजिएगा तीन एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा दो में तीन से होती है छः। इसको इसके क्यों लिखे हैं समझ गए हैं, यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ प्लस है तो
माइनस कट गया, 7x माइनस 9। अब देखिए यहां भाजक का घात, यहां भाजक में चर का घात अधिक है और यहां चर का घात कम है। यहां दो घात है, चर x का घात दो है, यहां चर x का घात एक है, इसलिए भाग की क्रिया रुक जाएगी, भाग की क्रिया यहीं संपन्न हो गई। भाग की क्रिया तब रुक जाती है जब भाजक का घात, जब भाजक का घात भाजक में, जब भाजक में चर का घात अधिक हो और शेषफल में चर का घात कम हो, या जब शेषफल शून्य आ जाए, जब शेषफल शून्य आ जाए तब रुक जाएगी, या यहाँ घात अधिक हो जाए और यहाँ घात कम हो जाए, यहाँ चर का घात अधिक हो जाए, यहाँ चर का घात कम हो जाए, तभी भाग की क्रिया रुक जाती है। तो हमने भाग कर दिया, भागफल मालूम हो गया और शेषफल भी मालूम हो गया, लेकिन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो हम एक लाइन लिख देंगे, क्या भाज्य और भाज्य अपना भागफल जो शेष। इसलिए भाज्य दिया गया माइनस भाज्य एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, भाज्य बराबर भाजक x स्क्वायर माइनस 2, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल x माइनस 3 प्लस शेष 7x माइनस 9। ठीक है, अतः भागफल केवल भागफल पूरा है, अगर यहाँ भागफल पी एक्स का होता है तो पी एक्स लिखते हैं, केवल भागफल पढ़ रहा है तो भागफल लिखेंगे, भागफल एक्स माइनस 3 एवं शेषफल कितना है 7x माइनस 9, यही आंसर हो गया। आप इन दोनों प्रश्नों को बना लीजिए, दो और प्रश्न इसमें हैं। एक बात यहां ध्यान दीजिएगा, यहां भाज्य में, यहां भाज्य में चर का घात बढ़ते क्रम में है, यहां भाजक में चर का घात बढ़ते क्रम में नहीं है, दो पावर है, उसके बाद एक्स का पावर दो है, एक्स का पावर यहां कुछ नहीं है मतलब जीरो है, यहां एक है, तो इसको सजाएंगे, कैसे सजाएंगे आप एक लाइन लिख लीजिएगा, पी एक्स बराबर, उसके बाद जी एक्स बराबर कितना लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक, उसके बाद भाग कर दीजिएगा, इस तरह इसको भी सजाना पड़ेगा। ये तो ठीक है, भाज्य ठीक है, यहां भाजक घटते क्रम में है, इसको भी घटते क्रम में सजा लीजिए, क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसके बाद भाग दे दीजिए। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनफल है। तीन प्रश्न दिए गए हैं, यहां कह रहा है कि पहले बहुपद से, पहला बहुपद ये है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को अर्थात इसको भाग करना है और भाग करके जांच करना है कि यह प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनफल है या नहीं। प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनफल होता है कब, जब द्वितीय बहुपद में प्रथम बहुपद से भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाए, शेषफल शून्य आ जाए तो गुणनफल है अन्यथा नहीं है, तो हम भाग देंगे। अगर ऐसे कहता कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से, यहां को लिखा होता और यहां से, तो इसका मतलब होगा कि इसमें इससे भाग देना है, यह भाज्य हो जाता यह भाजक, लेकिन पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को तो यह भाजक और यह भाज्य हो जाएगा, इस पर ध्यान देना है। तीसरा का एक नंबर है, टू टी का पावर 4 प्लस 3 टी क्यू माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 9 टी माइनस 12 में भाग देना है टी स्क्वायर माइनस 3 से। आप जानते हैं भागफल का पहला पद निकालने के लिए क्या करते हैं, भाज्य के पहले पद में
भाजक के पहले पद से भाग देते हैं, भागफल का पहला पद टू टी का पावर चार है और टी स्क्वायर दो टी का पावर चार का मतलब जानते हैं टी गुना टी गुना टी गुना टी टी स्क्वायर मतलब टी गुना टी दो टी से दो टी कट गया तो क्या होगा टू टी स्क्वायर, यहाँ क्या होगा टू टी स्क्वायर, टू टी स्क्वायर से इसमें गुना कीजिएगा, टू टी स्क्वायर से इसमें गुना कीजिएगा तो टू स्क्वायर में टी स्क्वायर से टू टी का पावर फोर हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तीन में दो टी स्क्वायर से तो तीन दो तीन छ टी स्क्वायर होगा, तो यहां लिखेंगे इसके नीचे माइनस छ टी स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस कट जाएगा, थ्री टी क्यूब हो गया, सिक्स टी स्क्वायर प्लस है और टू टी स्क्वायर माइनस है तो क्या होगा फोर टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व, फिर भागफल का दूसरा पद ज्ञात करना है, क्या करेंगे भागफल का दूसरा पद कैसे निकालेंगे इसमें इससे भाग देकर थ्री टी क्यू बटा टी स्क्वायर, थ्री टी क्यू टी गुना टी गुना टी टी स्क्वायर टी गुना टी थ्री है या फिर टी से गुना करेंगे, यहां फिर टी लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे थ्री टी, ऐसा नहीं लिखेंगे यहां टू टी स्क्वायर इसलिए लिख दिया क्योंकि शुरू में प्लस चिन्ह नहीं भी दिया जाता है तो प्लस ही माना जाता है, यहां थ्री टी के पहले प्लस का चिन्ह देना पड़ेगा, थ्री टी अब थ्री टी में आप गुणा कीजिएगा, यहां प्लस है वहां भी प्लस है, प्लस 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 होगा, तीन टी स्क्वायर में टी से टी क्यूब हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, थ्री में थ्री टी से तो नाइनटी हो जाएगा, तो माइनस नाइनटी, नाइनटी को नाइनटी के नीचे टी को टी के नीचे लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, फोर टी स्क्वायर माइनस नाइनटी प्लस नाइनटी माइनस, ये भी कट गया माइनस ट्वेल्व, और भागफल का तीसरा पद भागफल का तीसरा पद इसमें फोर टी स्क्वायर में भाग देंगे किससे टी स्क्वायर से, टी स्क्वायर करके फोर फोर लिखेंगे और गुना करेंगे प्लस फोर से, इसमें यहाँ प्लस है प्लस 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 हो जाएगा, चार में टी स्क्वायर से तो चार टी स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस चार तीन बारह, तीन बदल देंगे यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, कट गया कुछ नहीं बचा होगा जीरो, शेषफल कितना आया जीरो, अगर शेषफल जीरो नहीं आता मान लीजिए दो चार पांच या कोई दूसरी संख्या आ जाती या कोई विजय व्यंजक आ जाता तो ऐसी स्थिति में क्या करते देते कि यहां शेषफल जीरो नहीं है, शेषफल जीरो नहीं है अतः पहला व्यंजक पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, लेकिन यह जीरो आया है इसलिए यह इसका गुणनखंड है, अर्थात यह पहला व्यंजक हुआ पहला बहुपद हुआ अर्थात पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, क्या लिखेंगे यहां शेषफल बराबर जीरो इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का आप नीचे लिखिएगा दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो इस तरह दो और प्लस है इसमें बना लीजिए, किसी से है मैथ में इससे संबंधित बहुत प्रश्न दिया गया है आप उन सबको कंप्लीट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।